हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि पिछले 3-4 दिनों से कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट नहीं आ पा रहा है। हम कुछ चीजों में फंसे हुए, इसलिए एकदम भी वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन अभी जो आने वाला था उसको हम कैसे मिस कर सकते थे। आई मीन KGF चैप्टर 2, यस यू गेस्ट इट राइट, द बिगेस्ट फिल्म इन द मार्केट। कोलार गोल्डफील्ड चैप्टर 2 का सेकंड सिंगल आ गया, वो भी द मदर सॉन्ग, वॉइस ऑफ एवरी मदर। और हम सबको पता है कि KGF कितना बड़ा फ्रेंचाइज है, उसका जो मास लेवल है अलग है। एक्स्ट्रावेगेंजा, विजुअल्स, उसके स्वैग, हर कुछ, रॉकी भाई, एवरीथिंग, बट द कोर इज हिज मदर। मदर इमोशन जो है वो इतना तगड़ा हिट किया है सबको कि इट हैज बिकम अ रेज। और अभी सेकंड पार्ट में मदर सॉन्ग का किस तरह से होने वाला है वो देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और मदर सॉन्ग जो फर्स्ट में था, बताने की जरूरत नहीं, वो लेजेंडरी है, वो एपिक है, वो अलग ही एक इमोशन जगाता है। और अभी भी गूज बंप आ जाते हैं जब भी वो म्यूजिक बजता है। नन्नारी नारे नारे नन्नारो नारे नारे ना, आई मीन उस म्यूजिक का एक अलग ही बात है जो कि एक अलग कॉर्ड हिट करता है। और सेकंड पार्ट में किस तरह का वो गाना होने वाला था बताने की जरूरत नहीं कि इसको लेके एक्साइटमेंट भरपूर था। एंड रवि बसरूर साहब हैज डिलीवर्ड इट वंस अगेन। बिंगो बैंग मारा है उन्होंने और जबरदस्त एक गाना निकाल के दिया है। अगर आपको याद हो, अगर आपने KGF चैप्टर 1 बहुत बार देखा है, जैसे कि हम तो अनलिमिटेड बार देखे हैं, तो ये जो म्यूजिक है फलक तू गरज तू का जो म्यूजिक है वो एक ट्यून बजते रहता है चैप्टर 1 में कभी कभी। और उसका जब फुल फ्लेज गाना निकल के आया है, इट इज अ ब्रिलियंट सॉन्ग। इतना सूदिंग है, इतना मेस्मराइजिंग है, इतना इमोशंस के कोर को हिट करता है। लिरिक्स बेहतरीन, हिंदी में लिरिक्स का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, पैन इंडिया मूवीज आती हैं तो बेहतरीन लिरिक्स, और जिस तरह से गाया भी गया है बहुत जबरदस्त लगता है। और बीच में जब लिरिक्स बहुत तगड़े, जैसे कि हम आपको बताएं, जो एक तरह से पूरा बेस सेट करता है, और किस तरह से उनकी मदर का जो हाथ रहता है, रॉकी जो भी करता है उसकी मदर का लेसन्स रहता है उसमें, वो उसको जीने का तरीका सिखा के जा चुकी है उतने कम एज में। और हर एक जो मूव करता है रॉकी, अब हर एक कुछ जो अचीव करने चाहता है, जो गोल्स होते हैं, जो टारगेट होते हैं, हर चीज उसकी माँ से इंस्पायर्ड होते हैं। और माँ का इतना बड़ा योगदान है उसमें। चैप्टर 2 में भी बहुत सारे हम लोग को लेसन्स उनकी माँ के थ्रू कन्वे करते हुए देखा जाएंगे। और वहां पे बीच में जिसे आता है कि होगा इतिहास का ताज तू, और वही बनना है रॉकी को। और बीच में जब फिर से वो लाइन आता है नन्ना रे नारे नारे नारो वाला, यार मतलब रॉकी भाई वहां पे खड़ा, वो जो म्यूजिक बजता है ना, KGF फैंस को पता होगा, अगर किसी ने बहुत घुस के बहुत बार KGF देखा है ना, वो एक एक लाइन को, इसके जो एक एक लिरिक्स है उसको फील करेगा। और जहां पे वो गाना आता है रॉकी भाई सूट में खड़ा है वहां पे, और जब वो म्यूजिक बजता है तो इतना जबरदस्त, मतलब हम बता नहीं सकते किस तरह का फीलिंग आया, किस तरह का घूस बम आया, रोंगटे खड़े हो गए थे। और एंड का जिस तरह से ये गाना खत्म होता है वहां पे, जो पावरफुलनेस आता है, क्योंकि रवि बसरूर साहब का ये स्पेशलिटी है कि वो जिस तरह का पावरफुल म्यूजिक जनरेट करते हैं ना, जिस तरह के वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, जो पावर आता है उनके म्यूजिक में वो अलग लेवल, वो और हम किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर में देखे नहीं देखे हैं कि वो इतना पावरफुल म्यूजिक बना के दे। और यही होता है इस गाने में भी, फलक तू गरज तू में। इट इज अ ब्रिलियंट सॉन्ग, फुली जस्टिफाई करता है जो मदर इमोशन है, और वो जो एपिक ट्यून है उसका तो बात ही अलग है, मतलब वो तो होना ही चाहिए। हाँ। और नहीं होता तो दुख होता, लेकिन फॉर्चुनेटली होता है। सो इट इज अ ब्रिलियंट सॉन्ग, मजा आ गया। और जिस तरह से इमेजेस वगैरह भी, जब हम लोग को लिरिकल सॉन्ग है तो बहुत ज्यादा, पूरा वीडियो सॉन्ग तो है नहीं, तो जो भी हम लोग को इमेजेस वगैरह देखने को मिले, बहुत ही एक क्यूरियोसिटी भी पैदा करता है कि अब उसकी माँ के लाइफ में मतलब क्या क्या और टीचिंग्स देंगे, किस किस थ्रू टीचिंग्स देंगे, और कितने बड़े बड़े लेसन्स देंगे। क्योंकि एक एक मूव जो रॉकी करता था, बड़ा मूव, KGF चैप्टर 2 में फ्लैशबैक में जाके दिखाया जाता था कि वो मूव जो है, वो जो टीचिंग्स है वो उसकी माँ ने उसको दी है, तो अब चैप्टर 2 में किस तरह से उनकी टीचिंग्स काम आएंगी वो देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आप कितने एक्साइटेड हो KGF चैप्टर 2 को बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए कि बस एक वीक बाकी है, 8 दिन नहीं, बस 8 दिन पकड़ लो, 7-8 दिन बाकी है, उसके बाद बिगेस्ट धमाका होने वाला है इंडियन सिनेमा में। एंड बताने का जरूरत नहीं कि रिकॉर्ड्स किस तरह से टूटेंगे, ट्रिम्बल करेंगे, फूटेंगे एक तरह से। कितना एक्साइटेड हो जरूर बताऊं। ये सॉन्ग आपको कैसा लगा, द मदर सॉन्ग KGF चैप्टर 2 का, फलक तू गरज तू, हिंदी वर्जन का बात करें हम, बाकी भी कैसे लगे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। और कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।